मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग का पूरा दिन हंगामेदार रहा, लेकिन ये हंगामा वोटिंग के बाद भी कम नहीं हुआ। अब ये तस्वीरें ही देख लीजिए, जहां फर्जी ईवीएम की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने एक वैन को रोक लिया और जमकर हंगामा काटा। दरअसल मैनपुरी में मतदान खत्म होने के बाद सपाइयों ने एक वैन के अंदर 4 ईवीएम देख ली। बस फिर क्या था, उस गाड़ी को वही घेरा और जमकर हंगामा किया। बवाल इतना बढ़ गया कि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम से भरी एक गाड़ी करहल चौराहे पे गई, भावत चौराहे लौटी और भावत चौराहे पे दारू पी गई, जो उसके गाड़ी के ड्राइवर या जो भी मौके पे उसमें अधिकारी थे, जिसको देख के साथियों ने सूचित किया और बहुत सारे साथी मौके पे आए। और चूंकि ये प्रशासन का काम इतना शंकानुमा हो चुका है, अभी भी हमने मांग की है कि जो आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम लेके दारू पी रहे थे घूम घूम के चौराहे पर और शहर की परिक्रमा कर रहे थे, अगर ईवीएम भोगाओं की तरफ से आई थी तो सीधी यहाँ पे आनी थी। अच्छा, इसको आप साजिश समझते हैं क्या, लापरवाही? देखिए, सरकार की हर चीज में साजिश के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इसका एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा गया, मैनपुरी शहर में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम ले जाने की बजाय कहीं और ले जाते हुए पकड़ा जाना गंभीर धांधली और षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। तत्काल स्पष्टीकरण देते हुए कठोरतम कार्रवाई करे चुनाव आयोग। दरअसल ये गाड़ी थी सेक्टर मजिस्ट्रेट की। जब उन्हीं से इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए क्या कुछ जवाब मिला। बियर हाउस से लाए हैं, रिजर्व है, बियर हाउस ले जा रहे हैं। कहाँ से लेके आए? बियर हाउस से कल मिली थी हम लोगों को, रिजर्व मिलती है जी, और वो जमा करने जा रहे हैं, ब्लैंक है, बियर हाउस में ही जमा करने जा रहे हैं। नाम क्या आपका? भूपेंद्र सिंह चौहान। तो आप क्या है, क्या पद है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये ईवीएम ब्लैंक है, यानी रिजर्व ईवीएम मशीनें हैं, जिन्हें वोटिंग खत्म होने के बाद तहसील में वापस लाया जा रहा था और इसी दौरान किसी ने ईवीएम बदलने की अफवाह उड़ा दी, जिसके बाद सपाइयों ने आरोप लगाते हुए हंगामा काट दिया। पुलिस और प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि ये रिजर्व ईवीएम है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।